हेलो एंड वेलकम टू कोरल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। दोस्तों, आज फिर नई क्लास में आपका नए ट्यूटोरियल के साथ स्वागत है। आज एक और बड़ी मजेदार क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए गूगल या यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप फेसबुक पर CDTFB सर्च करें। और CDTFB सर्च करने के बाद यहाँ रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और साथ ही यहाँ एक बेल आइकन दिखाएगा, उस पर भी क्लिक करें, ताकि बेल आइकन से हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन नए वीडियो अपलोड करने के आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शुरू करूँगा आज की क्लास। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सिंगल टोन में किसी भी बिटमैप इमेज को किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है अपनी पसंद की टोन के अंदर। तो कोई भी वीडियो, वो सॉरी जेपीजी इमेज होगी बिटमैप, या कोई से भी फॉर्मेट की बिटमैप इमेज जो कोरल में इंपोर्ट की हुई हो, उसको आप सिंगल टोन में अपनी पसंद के कलर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे हम। ये मैंने सैंपल दिखाए हैं आपको कुछ, के इस तरह का बनाकर सिखाऊंगा आपको। इन सबको मैं हटा देता हूँ आपके यहाँ सामने से, ये साइड कर देता हूँ। देखिए, इसकी दो तीन टेक्निक सिखाऊंगा, दो को एक टेक्निक सिखाऊंगा सिर्फ आज, जो आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली टेक्निक में तो हम सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, दो सॉफ्टवेयर, एक तो कोरल ड्रॉ और एक ये मैंने कोरल फोटो पेंट खोल कर रखा हुआ है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। फोटो पेंट की भी जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें दूसरी टेक्निक में, लेकिन पहली टेक्निक में सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, इसकी एक कॉपी कर रहा हूँ। ये किसी भी बिट मैप के साथ, चाहे किसी तरह की इमेज ये हो या डिजाइन हो, इस तरह के कुछ भी हो, उस पर सभी पर ये अप्लाई होगी। बिट मैप होनी चाहिए सिर्फ, वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए, तो इसका एक तरीका तो यह है, सबसे पहले आप कलर स्वेचेस बना लें। जैसे आप सपोज आपको ग्लोरिया रेड में, इसमें रेड कलर में, मजेंटा में, सियान में, ग्रीन में, या किसी भी पर्टिकुलर इनमें से कोई, जैसे मैंने स्वेच रखे हुए हैं कुछ कलर के, जेपीजी है ये, मेन टोन में से आपको कन्वर्ट कर कर दिखाऊंगा आज। मैंने ये आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि इस तरह स्वैच होने चाहिए, आपको पता हो कि आप किस कलर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ऐसे ही रैंडम अगर आप कलर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। स्पेसिफिक कलर आपको पता होगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टॉप पे बिट मैप के ऑप्शन में जाएंगे। देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप बिट मैप के ऑप्शन में। फिर उसके बाद हम यहाँ मोड में जाएंगे, और यहाँ ये ड्यू टोन का ऑप्शन है कि देखिए ये वाला ड्यू टोन, इसके अंदर जाना है हमें। देखिए, मैं यहां से क्लिक करूंगा, मोड में गया, ये ड्यू टोन के ऑप्शन में गया। सिंपल। अब ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा हमारे सामने, खुलेगा। तो यहां ये कुछ टोन के ऑप्शंस दिखाता है। देखिए, मिड टोन्स, मोनोटोन्स, ड्यू टोन, ट्राई टोन, क्वाड टोन्स। तो हमें सिर्फ मोनोटोन यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिंगल टोन में बनाना है। ये ओवर प्रिंट के हैं ये सब, इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिंगल टोन है ये, सिंगल टोन में कुछ ओवर प्रिंट की जरूरत नहीं होती। तो यहां से हम इस कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देखिए, इस तरह यहां से ये कलर का डायलॉग बॉक्स खुलेगा एक सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहां से CMYK के वाले लेंगे, पैलेट भी दिखाएगा ये अलग, मैं CMYK से यहां से दिखाऊंगा, ताकि एक परसेंटेज पर्टिकुलर आपको दिखा सकूं। सपोज मैं यहां से कोई सियान में या मजेंटा में लेता हूं, सिर्फ 100% मजेंटा, बाकी सब कलर जीरो कर दूंगा। ये देखिए वैल्यू, ये जीरो, ये 100% मजेंटा मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दूंगा, ये ओके कर दिया। यहां से इसको प्रीव्यू का बटन, ये वाला मैं ऑन करूंगा। ये देखिए, ये वाला प्रीव्यू का बटन जो है, इसको अभी लॉक है ये, मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये ऑन हो गया, तो लाइव प्रीव्यू दिखाएगा मुझे इसका। तो इसकी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। देखिए, मैं इस तरह ड्रैग कर कर देख सकता हूँ जहां की डिटेलिंग मुझे देखनी है। देखिए, इस तरह। अब मैं इसको चाहूँ इस लेयर के चैनल से थोड़ी सी एडिटिंग कर सकता हूँ यहाँ रियल टाइम में ही, यहाँ इस तरह टॉप करके, और यहाँ से एक नोड ले लूंगा, नीचे ले लूंगा, इस तरह इसको थोड़ा सा एनहांस कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए, इसमें डिटेल्स में आप देख सकते हैं डिफरेंस, कंट्रास्ट थोड़ा सा ऐड हो रहा है, इस तरह इसको एनहांस कर सकता हूँ सिंपली, ये ओके कर दूंगा, तो ये इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेलिंग। इसी तरह ये एक ऑप्शन हो गया, इसका दूसरा ऑप्शन हम ये लेंगे, यहां रख लेता हूं कलर के पास।
फिर दोबारा मैं ड्यू टोन्स में जाऊंगा, देखिए वहीं मोड्स ड्यू टोन्स, दोबारा मैं आ गया यहां। इस बार मैं यहां से कलर सेलेक्ट करूंगा, देखिए इनमें से डबल क्लिक करूंगा, यहां से आई ड्रॉपर टूल लूंगा ये पिक करने के लिए, और किसी भी कलर की जिस टोन में मुझे बनाना है, ये ब्राउन कलर की चाहूं ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लूंगा, ये सिलेक्ट हो गया और ये ओके कर दूंगा। देखिए यहां फिर से बटन हम ऑन कर लेंगे, ये टोन आ गई। आप ये रखना चाहते हैं इसको ओके कर देंगे, या इसको एनहांस करना चाहते हैं तो एनहांस भी कर सकते हैं। देखिए हल्का सा टोन्स वगैरह मिड टोन्स इसकी थोड़ी सी एनहांस हो जाती है, देखिए ये हो गई सिंगल टोन में, सिंगल टोन में कन्वर्ट हो गई है। अब ये हो गया तरीका। कोई और कलर आप चाहते हैं किसी भी कलर को, पहले चाहे ग्रे स्केल कर लें इसको एक बार, ग्रे स्केल पर भी काम करेगा ये देखिए इसी तरह। फिर टोन्स यहां से मैं कलर लूंगा इस बार ग्रीन, ट्राई करते हैं देखिए ये वाला, यहां पे मैं ओके कर दूंगा। देखिए बिना एडजस्ट किए इसको चैनल को ऐसे ही ओके कर देंगे, देखिए ये टोन बन गई है। हम इसको सीएमवाई के में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए यूज करेंगे तो हमारे लिए कलर सही आएंगे। हम सीएमवाई के में इनको प्रिंट कर देंगे तो ये टोन आएगी जो प्रिंटिंग में आएगी। हमेशा जब भी आपको ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो यहां से कन्वर्ट कर दें। डिजिटल पर आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप इसको कन्वर्ट कर दें तो सही टोन जो प्रिंटिंग में आएगी वो आपको शो करेगा भैया। देखिए इसी तरह ये सीएमवाई के कर देंगे, ये आपकी टोन बन गई है सिंगल कलर की। ये देखिए इसको जूम कर कर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टोन्स बन गई हैं। अब अगर इसको ऐसे ही रैंडम आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज बीच में कहीं भी आपको इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसके बारे में एक पूरी कलर थियोरी के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप यहां देख सकते हैं मेरा ये वाला वीडियो ट्रिक इन कलर, ये वाला ये देखिए ये वाला वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कलर थ्योरी की। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि कैसे काम करती है। देखिए ग्रीन वाले को सिलेक्ट करता हूं मैं, और यहां से मैं इफेक्ट में जाऊंगा, एडजस्ट में जाऊंगा, और यहां से मैं ह्यू सेचुरेशन में जाऊंगा। मैं आपको लास्ट वीडियो में इसकी बहुत डिटेल में समझा चुका हूं पूरी थ्योरी कि कैसे काम करता है। यहां से मैं इसके कलर टोन ये वाले स्लाइडर को मूव करूंगा तो कलर टोन चेंज होंगे। देखिए जो टोन मुझे चाहिए मैं उसके आसपास आकर इसको छोड़ दूंगा। ये देखिए रेड टोन पर आ गया, ऑरेंज है, यहां से लाइट और डार्क कर सकता हूं मैं इसको टोन्स के। देखिए कितनी वाइब्रेंट चाहिए मुझे कलर, इसको ओके कर दूंगा जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ये ओके देखिए आसानी से हम यहां से सीएमवाई के हैं ये तीनों चेंज कर सकते हैं। ये एक तरीका आप लोगों ने देख लिया, सिंपल है और आसान बहुत, यहां कोरल में ही कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा तरीका थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, इसको मैं यहां रख लेता हूं। इस बार मैं इसको कोरल फोटो पेंट में ले जाऊंगा, तो यहां एक बटन ये आपको दिख रहा है एडिट का, एडिट बिट मैप, ये देखिए टॉप में, मैं इस पर क्लिक करूंगा एडिट बिट मैप पे, तो ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग के लिए यहां फोटो पेंट में खुल जाएगी। देखिए 2019 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूं, तो जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं कोरल 17x7 हो या x8 हो या x9 हो, सभी में ये सेम होती है। तो यहां से हम ये ओपन हो जाएगी, यहां से इमेज में जाएंगे हम, तो इसकी टेक्निक मैं बता रहा हूं थ्योरी क्या डिफरेंस है वहां करने में और यहां करने में। तो यहां एक ऑप्शन ये कन्वर्ट टू ग्रे स्केल 8 बिट है, ये हम इस पर क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट इसको ड्यू टोन नहीं बनाएंगे, हम कन्वर्ट ग्रे स्केल करेंगे पहले। तो कन्वर्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन हो जाएगा, तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली एक तो सेटिंग ले लेता है इसकी जो बेस्ट होती है। अब हम इसकी डिटेलिंग को थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहते हैं, सपोज यहाँ शेडिंग वगैरह बालों की, देखिए हेयर स्टाइल की आप, और ये बैकग्राउंड की थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाहते हैं। यहाँ कलर चैनल्स हैं, ये रेड को येलोज को हम ग्रीन्स में सियान में ब्लू में मजेंटा में मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां जहां ग्रीन मजेंटा होगा उसको इन्हांस इससे हम छेड़ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ डिटेलिंग पे फर्क पड़ेगा। अब मैं रेड्स जहां जहां होंगे उसके लिए रेड्स के लिए छोड़ता हूं, तो देखिए क्या होगा, स्लाइडर ज्यादा मूव कर कर दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए डिफरेंस। ये देखिए देखिए इसकी डिटेलिंग चली गई। तो हम कहीं इसको ऐसी अच्छी जगह सेट करेंगे जहां हमारी टोन्स की डिटेल्स भी हो, यहां बैकग्राउंड भी हो
और कंट्रास्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह हम थोड़ा सा इसको एनहांस करेंगे, ये देखिए यहाँ कहीं छोड़ेंगे। अब हम येलो देखेंगे, हम इमेज में जहां जहां येलो है हम उसको देखो मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए जहां जहां ये शेडिंग की मिड टोन्स हैं, देखिए इस तरह के, देखिए ये यहाँ इसकी डिटेलिंग के अंदर और अच्छी निकल कर आई है। देखिए ये कंट्रास्ट भी आ गए हैं फेस के अंदर। अब हम ग्रीन देखेंगे, देखिए यहाँ ग्रीन का काम है, यहाँ हल्का सा है तो यहाँ इससे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ हम ग्रीन्स में, ये देखिए यहाँ ग्रीन्स में इफेक्ट पड़ रहा है जब हम इसको स्लाइडर को मूव कर रहे हैं, देखिए इस तरह। तो हम कहीं इसको कंट्रास्ट करेंगे ताकि इमेज हमारी बहुत अच्छी निकल कर आए, सियान इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हल्का फुल्का ही मामूली डिफेंस होगा, यहाँ इस पर कुछ खास नहीं होगा तो इसलिए सियान से नहीं होगा। मजेंटा है तो फेस में मजेंटा है, देखिए यहाँ फेस में हल्का सा इसमें डिटेलिंग में फर्क पड़ रहा है। तो ये मेन इसमें काम रेड येलो और ग्रीन में है, तो हम रेड से थोड़ा सा इसको बस इम्प्रूव करेंगे ये इस तरह, और ओके कर देंगे। ये इसकी सिंपल एक सिंगल कलर की टोन तैयार हो गई है, इसकी शेडिंग जो डिटेलिंग अच्छी आएगी। अब हम चाहें तो जो हमने कोरल ड्रॉ में काम किया था वो यहां से भी कर कर ले आ सकते हैं, यहाँ कन्वर्ट टू ड्यू टोन। ये देखिए हम यहाँ पे एडिट करेंगे, इस बार हम इस पे डबल क्लिक नहीं कर रहे हैं, इस बार हम यहाँ से एडिट करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ से एडिट करेंगे, यहाँ से हम कलर अपनी पसंद का चूज कर लेंगे, कोई मजेंटा ही लेते हैं। चलिए हम यहाँ से 100% लेंगे मजेंटा, जैसे हमने वहां लिया था। ये देखिए ओके कर देंगे हम इसको, और हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए मजेंटा में हो गया है, तो जो टोन्स इसने इसमें लिए फोटोग्राफ में पूरी यहाँ चैनल में दे दी। अब हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ फिनिश एडिटिंग कर देंगे और क्लोज कर देंगे। यस, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होकर यहाँ कोरल में आ गई है, देखिए ये वाली बनी है। अब इस वाली मजेंटा और इस वाली मजेंटा को हम दोनों को एक साथ रख के डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। ये देखिए तो आप देख पाएंगे दोनों को सिंपली, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसकी यहाँ बालों की हेयर की डिटेलिंग में देखिए, यहाँ कंट्रास्ट और बैकग्राउंड को थोड़ा सा बहुत आसानी से और बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और इसी तरह यहाँ बालों की हेयर स्टाइल की डिटेल में, फेस की डिटेल्स में, यहाँ देखिए आप मिड टोन्स में काफी, आप इसमें ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, इसमें बहुत क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हैं। खूबसूरती इसमें ज्यादा बेहतर है जो हमने फोटो पेंट में किया, तो इस तरह कर सकते हैं। इसको सेव कर लेता हूं फाइल को मैं। ये दोनों टेक्निक आपने देख ली, इसी तरह की टेक्निक, ये छोटा सा एक मैंने एलिमेंट लिया था, बिट मैप है ये देखिए CMYK है ये। अब मैं इसको फ्लिप करके इस तरह बना सकता हूं, या इसी को डायरेक्ट, इसको तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग अगर नहीं है इसमें तो इसको यहीं पर हम सिंपली कर देंगे। देखिए ड्यू टोन्स और अपनी पसंद की कोई टोन ले लेंगे। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपको किसी बैकग्राउंड पे यूज करना है, यहाँ आपके पास एक पेज है 7.5 बाई 10 इंचेस का, हमें इसमें यूज करना है और यहाँ हमने कोई बैकग्राउंड बना रहे हैं। सपोज कीजिए हमने यहां से कोई कलर पिक करते हैं, यहां से हम ये वाली टोन ले लेते हैं, ये देखिए ये वाली, और ये हम इसमें फिल कर देते हैं। अब ये वाली एलिमेंट हमें यहां यूज करना है, लेकिन ये हमारे डिजाइन के साथ नहीं जा रहा, हम चाहते हैं सिंगल टोन में इसी कलर के साथ यूज करें। तो अब हम इसको सिंपली यहां पे उसी तरीके से जाएंगे, देखिए ड्यू टोन्स में, और यहां डबल क्लिक करेंगे और इस कलर के ऊपर पिक कर लेंगे कलर। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लाइट और डार्क इसी कलर की वेरिएशन, तो आप यहां से सिंपली ड्रैग कर इस तरह मूव कर सकते हैं और ओके कर देंगे। इसी टोन के आसपास ही आपको दिखाया गया, देखिए यहां ये आ गया सिंपल, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे CMYK के में। ये देखिए लेकिन ये कलर हमारा बिल्कुल सही मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको एडिट में जाएंगे, चैनल मिक्सिंग में जाएंगे, यहां पे टोन कर्व्स खोल लेंगे। तो हमें यहाँ क्या ज्यादा है, यहाँ एक ब्लैक ज्यादा है और इसमें येलो ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमारा सियान और मजेंटा है, तो हम इसमें से येलो को ऑफ कर देंगे 100%, बिल्कुल जीरो कर देंगे इस तरह ड्रैग करके। देखिए टोन खुद ही खुद निकल कर आएगी, ये देखिए टोन हमारी क्लियरली विजिबल हो गई है।
अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली फ्लिप करेंगे इस तरह, कंट्रोल आर करेंगे, जितना बड़ा भी हमें बनाना है उतना ग्रुप कर लेंगे एक साथ और इसको सेंटर कर लेंगे इस तरह। ये देखिए छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हैं हम इसको इस तरह कर लेंगे। इसके बाहर कुछ एडिटिंग चाहते हैं आप, इसको अब हम बिटमैप कर देंगे कन्वर्ट, ये जो हमें लाइनिंग दिख रही है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी 300 CMY की हो गई। देखिए इस तरह खूबसूरत एक ये बॉर्डर बन जाएगा। इसमें और मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं काफी, यहां जूम करके बॉटम में ला सकते, सॉरी इसकी एक कॉपी ले लेंगे हम, इस तरह ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसको हम वर्टिकल इस तरह कर लेंगे। ये देखिए पावर क्लिप कर देंगे इनसाइड, देखिए एक सिंपल। और कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो इसको इस तरह ट्रांसपेरेंसी का यूज कर सकते हैं, सिंगल टोन बनाने के बाद हम इसको इस तरह से इफेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। देखिए सिंपल, इसी तरह ये भी यूज हो सकता है एक इसका, और इसको हम साइड में रख लेते हैं, एक कॉपी और लेते हैं इसकी। देखिए इस तरह इसको भी पावर क्लिप कर लेंगे इनसाइड हम इसके, इसको भी पावर क्लिप कर लेंगे इनसाइड, इसको हम इसमें से हटा देंगे सिंपली डिलीट करके बॉटम वाले को, इसको हम यहां यूज कर सकते हैं। और ये वाले डिजाइन को हम इस बार यूज कर सकते हैं यहां, इसको हम सिंपल उसी तरह के टोन में यूज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक नहीं करेंगे हम, यहां मोड में जाएंगे, ड्यू टोन्स में जाएंगे, उसी तरह जो हमने मेथड सीखा, डबल क्लिक करेंगे, मॉडल में जाएंगे, कलर में, यहां से हम CMYK की प्रॉपर्टी इसकी कॉपी कर लेंगे। ये हो गई है ओके, ये देखिए ये कॉपी हो गई है, हम इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट कर लेंगे इस तरह। फिर इसमें भी वही टेक्निक करेंगे हम, सबसे पहले CMYK कन्वर्ट करेंगे, देखिए जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं, फिर दोबारा से हम चैनल खोल लेंगे टोन कर्व्स, ये टोन कर्व्स, और इसमें से येलो ऑफ कर देंगे बिल्कुल, ब्लैक भी ऑफ कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मजेंटा टोन और सियान टोन के बीच का कंट्रास्ट थोड़ा सा पैदा करना है, इसको थोड़ा सा इसको इस तरह एनहांस कर लेंगे अपने हिसाब से। देखिए हल्का सा येलो वापस ला सकते हैं, जैसे ज्यादा टोन अगर आपको लग रही है, सियान वापस हम ले लेंगे। ये देखिए अब टोन मजेंटा की तरफ आ गई है हमारी, मैच हो गया है, ओके कर देंगे इसको सिंपल। इसको हम पावर क्लिप कर देंगे इनसाइड, और ये इस तरह का बैकग्राउंड हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, सिंपली इनको आसानी से हमने कितने आसानी से बना लिया। इसी तरह के ऑप्शन कलर के अपने स्वैचेस से उठाकर आप किसी के भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, आप ट्राई कीजिए, इसको बनाइए अपने कंप्यूटर पर। और मेरे साथ अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो मुझे फेसबुक पेज पर मेरे आप शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर जाने के लिए आप मेरे यहाँ टॉप में आप देखेंगे यूट्यूब पेज पर, तो यहाँ आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा CDTFB का, तो आप वहां से शेयर कर आप दिखा सकते हैं जो भी आपने किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नई क्लास नए ट्यूटोरियल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए CorelDRAW ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।